सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित हुई चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 53वें पृष्ठ की 34वीं पंक्ति पर 39वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सकें, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ओनली द इमॉर्टल्स ऑन देयर डेथलेस हाइट्स ड्वेलिंग बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ टाइम एंड स्पेस Masters of living, free from the bonds of thought, who are overseers of fate and chance and will, and experts of the theorem of world need, can see the idea, the might that change time's course, come manned with light from undiscovered worlds. Here, while the world toils on with its deep blind heart, the galloping hooves of the unforeseen event, bearing the superhuman rider, near and impassive to earth's din and startled cry, return to the silence of the hills of God as lightning leaps, as thunder sweeps, they pass and leave their mark on the trampled breast of life. गुरु के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। भागवत लीला प्रसंग में, भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास में अवतरित हुई परमात्मा के दिव्य अंशों का देश काल सीमाबद्धता स्वीकार करने पर अभिव्यक्त हो उठने उपरांत विकास क्रम के मर्त्यता स्तर से जड़ से मानव के विकासों उपरांत मानव के द्वारा परे ऊर्ध्व परालोक जो जगत एवं जागतिक अभिव्यक्तिकरण की देश काल सीमा की बंधनकारी दीवारों के परे के प्रवेश से अनुभूति में आए, ये वहां के परालोक निवसित दिव्यवासी, ये अव्यक्त रूप परालोक अधिवासी जो चिर अविनाशी बने रहकर भागवत अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया की परायोजना के ब्लूप्रिंट के विश्व प्रयोजन प्रमेह के परम ज्ञाता बने रहकर इसके घटित होने के अर्थ को, इसके लक्ष्य को और जीवन धारण किए गए समस्त जीवों एवं प्रादुर्भूत समस्त मानवों के भीतर केंद्र में निवसित दिव्यांश पर पड़े मन प्राण शरीर के आवरणों से अभिव्यक्ति में आकर लक्ष्य के प्रति
विवेकहीनता के अंधत्वता आवरण से आच्छादित विश्व मन विचारों से विचारित बने मानव मन के बंधनों से सदैव मुक्त अपनी अमर्त ऊंचाइयों पर बैठे बैठे ये चिर अविनाशी देव वृंद हमारी धरा जीवन के स्वामी बने रहकर हम पर लदे काल विधि विधानों भाग्य अथवा देवयोग तथा अल्प पेटी संकल्पों से संचालित बने जीवन यापन प्रक्रिया पर सदैव जीवन मृत्यु प्रक्रिया से परे रहकर मौन बने समूचे घटित होने वाले क्रम पर सतत निगरानी करते रहते हैं। ये महान देवी देवता हैं जो सचलायमान जगन माता के स्वसृजन उद्देश्य एवं अभिव्यक्तिकरण में उनकी सेवा में सदैव तत्पर बने रहने रहते हुए होने वाली क्रिया में प्रदत्त किए गए कार्य को निष्पक्षता पूर्वक घटित होने देने में भागवत दिव्य ज्ञान को धारण किए रहकर सतत अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया है तो सदैव सहाय बने रहकर जगत अभिव्यक्ति संचालन हेतु तत्पर बने ही रहते हैं। ये देववृंद सृष्टि में होने वाली विकासोन्मुख प्रक्रिया का आदर करते हैं और प्रत्येक स्तर पर अभिव्यक्तिकरण एवं व्यक्त रूपों की आवश्यकता को देख सकते एवं जानकर इसकी पूर्ति हेतु आवश्यक रसद भेजते हैं। ये अनभिव्यक्त परा स्थित अजर अमर देव अचलायमान परमात्मा से उद्भूत एकोम श्याम के संकल्प के परम सत्य को जानते और सचलायमान परमात्मा के एक से बहु बन जाने की क्रिया शक्ति में संलग्न भागवत शक्ति को अभिव्यक्ति में प्रवेश करने वाले सत्य अंशों को प्रभावोत्पादकता से घटित होने में भागवत इच्छा पूर्ण हो सके इसे तू सदैव सतत सहायक बने रहते हैं और व्यक्त जग के देश काल सीमा में परम शक्तिशाली सचलायमान परमात्मा द्वारा अचलायमान परमात्मा के संकल्प योजना परिवर्तन किए जाने को ये देवता अपनी दिव्य दृष्टि प्राप्त नेत्रों से देख सकते हैं और तभी नरसिंह अवतार के केशरी प्रकाश किरण को लिए हुए परम प्रभु अपने दिव्य अशोधे अज्ञात लोक से अवतरित होते वे तभी अवतरित होते जब देश काल सीमा बद्ध जगत जन मानव अंतर पर पड़े घन अंधकार वाले हृदयों से लदे होकर ऊर्ध्वार वर्ण के निज पद पर असफल श्रम करते रहते होते तब ये देवता ही अवतरण की दिव्य आहट को जो मानव की धरती के शोर शराबे हल्ले गुल्ले से अप्रभावित एवं अविचलित बने मानव की करुण आर्त पुकार के चौंका देने वाले रुदन से भी अविचलित बने रहकर तटस्थ रहकर परम प्रभु अतिमानव के घोड़े पर सवारी करते सरपट दौड़ते घोड़े के पैरों की टापों के स्वर कल्कि अवतार के आने की आहट को सुनते
जो दिखाई नहीं पड़ती किंतु नजदीक आती प्रतीत होती है, जिसके अवतरण पर पड़े अज्ञानांधकार के आवरण से बड़ी ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया की कठिनाइयों के कूड़े करकट को स्वतः ही सोख कर समाप्त कर देने वाली प्रक्रिया का आभास ये देवता पा सकते, ताकि विश्व चेतना ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया में आई मंदता या समाप्ति के समस्त अवरोध दूर हो सके, हट जाएं, अपने अवतरण उद्देश्य को पूर्ण कर ये अवतरित हुए दिव्य अवतार रूपी अश्वारोही धरती को छूकर आकाश में छाए बादलों में बिजली की चमक और छलांगे लगाते हुए अपने अवतरित होने की गड़गड़ाहट पूर्ण विद्युत कौंधन वज्रपात पूर्ण गरज से व्याप्त अदिव्यता अशुद्धियों एवं अवरोधों को धरती एवं जीवन से साफ करके पुनः धरा पर ऊर्ध्व लोक के अपने भागवत अमापी उत्तुंग शिखरावलियों की चिर नीरवता पर पुनः यह धरा सामान्य विकासोन्मुख अवस्था की ओर लौट आती और लौटते लौटते निज पावन चरणों के दिव्य चिन्हों को यह अवतरित हुए अवतार समूची धरती एवं जगत जीवन के मारे मारे फिरते जगत जीवनों के हृदयों को ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया हेतु आंदोलित आंदोलित करके रौंदते हुए उन पर अपनी चमक दमक की दिव्य आभा के स्थायी प्रभाव उत्पन्न कर देने वाले स्मृति चिन्हों को उनके जीवनों पर अंकित करके अपने स्वधाम मूल देश की ओर अवतरण मार्ग से गुजर कर लौट जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया के साक्षी दृष्टा एवं जानने वाले ये अभिव्यक्त ये अनभिव्यक्त देव मौन धारण करके सब कुछ देखते रहते साक्षी दृष्टा बने रहते हैं और अवतरित हुई अवतारित शक्ति के सृजन विकास मापदंडों की पूर्ति के सब साधन ऊर्जा प्रेषित करते हुए सृजित सृष्टि एवं मानव जाति को उन्नत विकास पथ पर अग्रसर कराते हुए बढ़ाए लिए चले जाते हैं ये देववृंद। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के द्रुप पथ पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के द्रुप पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही,